हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो है हीरो ब्रांड की प्लेजर स्कूटी है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स हम सर्विस करेंगे, तो देखते हैं क्या क्या करेंगे। भाई साहब क्या खोल रहे हो आप, पहले ये बताओ। ये इसका ऊपर का टापा खोल रहे हैं। टापा खोल रहे हैं तो थोड़ी लोकल भाषा में बोल रहे हैं। तो ये देखिए, हम कैप वैप वगैरह जो है, हमारी जो सीट होती है उसके नीचे वाला जो हिस्सा है, तो इसमें जो है चार ये नट है और आपको ये एक प्रकार की चाबी है जो कि आपको हार्डवेयर की दुकान से या ऑनलाइन अमेज़न से भी मिल जाएगी। तो ये हमारी जो स्कूटी है 6 महीने से खड़ी हुई है और ये बंद हो चुकी है। ये देखिए, अब सिंपल स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम खोल रहे हैं, तो आप चाहो तो स्क्रू ड्राइवर हमारे भी लिंक से अमेज़न से खरीद सकते हैं। तो एक स्क्रू यहाँ पर है, दूसरा स्क्रू यहाँ पर है, और यहाँ पर कितने स्क्रू थे? चार। नीचे इस वाले एरिया में जो है अच्छा टोटल चार है। तो बाय चांस कभी स्कूटी में पानी चला जाए और इसका स्पार्क प्लग आपको साफ करना पड़े, तो ये तरीका होता है। चार स्क्रू है, पांचवा ये खोल रहे हैं। टोटल छह है। तो ये छठा स्क्रू है। तो ये इस डिवाइस को क्या कहते हैं? ये कौन सा वो है? अरे इसको गोटी है क्या? तो अब ये देखिए, ये हमारी जो सीट के नीचे वाला का। तो फ्रेंड्स एक स्क्रू यहाँ पर है, तो दोनों तरफ है, दोनों साइड से स्क्रू है। अच्छा, दोनों साइड ये खोल रहे हैं। अभी जाम हो रहा था। और ये हमारा ऊपर का कवर या टापा निकल गया। अब जो है ये खोल रहे हैं, क्या चीज है ये? कार्बोरेटर है। कार्बोरेटर है, हमें थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है। कार्बोरेटर और एयर फिल्टर अभी खोल लूंगा मैं। जब भी हम सर्विस कराते हैं किसी भी स्कूटी की, तो फ्रेंड्स उसमें कार्बोरेटर, एयर फिल्टर और होता है इंजन ऑयल होता है। वे तीनों चीज चेंज होती है, मतलब इंजन ऑयल चेंज होता है, बाकी ये दोनों चीज साफ होती है। तो ये हिस्सा कौन सा है? कार्बोरेटर का हिस्सा है। अच्छा, और कहाँ पर है वो? ये पूरा कार्बोरेटर है। अभी मैं निकालूंगा इसको बाहर, ट्रेबुस तेल वाला पोहा तैयार करते हुए। इसका जो कार्बोरेटर है उसको हम खोल रहे हैं। और तेल है कौन? देखिए सुन के देख, समय ला रहा है, समय ला रहा है। तो ये देख ले तेल की क्या हालत है। इस्तेमाल लिया तो फ्रेश तेल है आपके पास? ये कहना पड़ेगा, पेट्रोल ये सारा खराब हो गया। तो ये हम खोल रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं इस वीडियो के जरिए कि कैसे खोला जाता है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सर्विस में क्या क्या किया जाता है। और ये अब हम चोक आउटर, चोक वायर है, चोक वायर है। और ये कार्बोरेटर है पूरा। अच्छा, इसको धोएंगे। और ये हमारा जो 6 महीने या उससे भी ज्यादा पेट्रोल है वो सड़ जाता है, उसमें बदबू आ जाती है, तो हम सारा तेल निकाल रहे हैं। और किसके पार्ट साफ करें? कार्बोरेटर के जो है, हमने जो तेल निकाला है अपनी स्कूटी से, तो इसकी हम सफाई कर रहे हैं। देखिए कैसे स्कूटी की सफाई होती है, सर्विसिंग, कार्बोरेटर सर्विसिंग। तो अच्छी तरह से हम पेट्रोल से जो है बर्फ से इसकी सफाई करें। आपको गाड़ी को चलने नहीं देगा बिल्कुल, इसी वजह से कार्बोरेटर खोल रहा था। प्रॉपर हम साफ करें, ऊपर का जो हमारा कार्बोरेटर है उसका कवर सफाई करें।
ठीक हो जाएगा सर। इतना टाइम हो गया ना, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गए इसको। और आप जो है जेट जेट जिसको हम बोलते हैं, तो जेट खोल रहे हो, इसमें तेल जाता है क्या? ये गाड़ी एवरेज बनाने के लिए होती है। ये हम सफाई करें प्रॉपर। अब ये इसका गाड़ी का जेट बंद है। अच्छा, हमारा जेट है। आप साफ हो गए क्या? डर काट को को प्रॉपर साफ करें। तो सभी का ऐसे ही होता है क्या? ब्लॉक सारा ही हो रहा है, इसी का ब्लॉक हो रहा है, जो गाड़ी खड़ी रहती है ना उसी का ब्लॉक होता है। अब सफाई हो जाएगी तो फिर ये प्रॉपर चलने लगेगी क्या? चलेगी चलेगी क्यों नहीं, लेकिन भरा पड़ा है कचरे से। ये वही है या दूसरा पार्ट है? ये वो थे कार का टुकड़ा, ये पुन कार है। तो ये हम कार का एक बना रहे हैं, पतली सी कार। और ये पतला सा शायद आपको इतना क्लियर नहीं दिखेगा कि क्या हो रहा है। तो ये कार आप पार कर रहे हैं करके आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कार्पेटर के जेट को साफ किया जाता है। जेट इसी तरीके से साफ करता है, बस और कोई तरीका नहीं है। ये देखिए कैसे हम सफाई करें। हमारा वो जेट साफ हो गया है और अब जो है ये हम इसके जो कार्बेटर को साफ कर रहे हैं, बाकी पार्ट्स को भी देख रहे हैं कैसे साफ होना है। ये पेट्रोल से साफ हो गया। अच्छा, मैं इसको पेट्रोल से साफ होना है। ये नया भी मिल जाता है क्या? हाँ। जेट लगा दिया क्या? ये देखिए जेट हमने लगा दिया और अब जो है इसको हम वापस टाइट कर रहे हैं। ये दो दो जेट होते हैं क्या? हाँ, दो जेट होते हैं, मेन और स्लो। मेन और स्लो। स्लो तो इसको हम नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट करें। कर रहे हैं अपने कार्पेटर की। बंद कर दो। हाँ, बंद कर दो। और ये देखिए कैसे आपने इसको वापस बंद करना है। और ये इसकी हम फिटिंग प्रॉपर करें।
ये हमारा जो कार्बोरेटर है प्रॉपर बंद हो गया। ये रेस की कार है, रेस की कार है। तो ये देखिए कैसे इसको वापिस फिट कर रहे हैं, इसको साफ करोगे? कर दिया पेट्रोल से। ये जो पैकेज है नहीं, ये साफ नहीं, ये वॉशिंग से होगा। वॉशिंग करोगे? वॉशिंग करवानी पड़ेगी। तो वापिस हम इसको फिट करें। ये कौन सी तार है भाई? चौक की तार है। चौक की तार अंदर ही चली जाती है वैसे, ये फिट करनी पड़ती है। वो तो ओवरफ्लो की पाइप थी, चौक की तार ये। अच्छा अच्छा, ये चौक की तार है, वो ओवरफ्लो की तार, यानी कि फालतू पेट्रोल बाहर निकल जाता है बाइक से। ओवर होती है जब गाड़ी, हाँ हाँ, जब बाहर निकल जाता है इंजन पर नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिट करें। ये हमारा कार्बोरेटर फिट हो गया है लगभग। और ये स्टार्ट करके देखोगे अब? पहले चेक होगी, सबसे पहले स्टार्ट करके देखो। हम कुछ चेक करेंगे कि भैया हमारा कार्बोरेटर समय से काम भी कर रहा होगा। ये सिर्फ उसी गाड़ी में प्रॉब्लम है जो कई दिन से पड़ी होती है, उसी का चेक करना पड़ता है। तो बिना बैटरी के हो जाएगा सर? देख रहे हैं कि ये हमारी स्कूटी स्टार्ट भी होती है और हमें लगता है स्टार्ट हो जाएगी। हो रहा है ना स्टार्ट? ये रेस भी देंगे, थोड़ा सा रेस देना पड़ता है इसको, थोड़ा सा ये देखो। हम कोशिश कर रहे हैं जो हमने इसकी सफाई करी है कि हमारे चले करके नहीं। सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, स्टार्ट होता है धीमे करने पत्ती है इसकी तो गाड़ी जा रही है। कितनी का होगा ये? कौन सी कार है भैया? तो कौन सी कार है? फ्रेंड्स, ये हमने जो है इसका पुराना जो तेल था जो कि एक साल पुराना, उसको निकाल के फ्रेश तेल डाला है। और अब जो है हम ये चेक करें, और हमारी स्कूटी जो है बहुत ही अच्छी ढंग से चल रही है। 10 की टी दे दे। और इससे क्या सेट होता है भाई साहब?
इससे अब मैं एयर फिल्टर खोल लूंगा इसका। एयर फिल्टर खोल दे, और वो एयर फिल्टर कहाँ पे होता है? अभी निकालूंगा देखो। अच्छा, ये हम एयर फिल्टर निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम देख रहे हैं कि इसका एयर फिल्टर कैसे खुलेगा। थोड़ा बहुत पजल्स हो रहे हैं लोग। तो फ्रेंड्स, ये हम कोशिश कर रहे हैं एयर फिल्टर को खोलने की, और कुछ दिक्कत आ रही है, मतलब कैसे नट खोलना है, स्क्रू खोलना है, अंदर है बोल्ट इसका। और ये क्या चीज खोल रहे हो भाई साहब? बीडिंग। हाँ, बीडिंग। वो क्या चीज होती है? साइड बीडिंग, जिसको साइड सपोर्ट। अच्छा, ये खोल रहे हो। एयर फिल्टर खुल नहीं रहा, निकल नहीं रहा। और कोशिश जारी है। देखिए, ये हमारा एयर फिल्टर आपको दिख रहा होगा, तो शायद अब जो है खुल जाएगा। ये वीडियो में आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हाथ सब रहा है। ये फाइनली जो है हमारा एयर फिल्टर थोड़ा सा ढीला हो गया है। ये देखिए, अगर आपको ये दिखता हो तो एंगल टाइप जो है स्क्रू ड्राइवर हमने लिया है। ये हमारा एयर फिल्टर निकल गया है। तो एयर फिल्टर इसके अंदर होता है भाई साहब? यस। संदीप टाइम क्यों है? तो ये तीन स्क्रू हमने खोले हैं। सारा एक ही स्क्रू से काम चलता ज्यादातर। तो चार स्क्रू है क्या इसमें? इसमें पांच स्क्रू है। पांच स्क्रू है इसमें? छह टोटल आप कह सकते हैं। और ये हमारा जो है एयर फिल्टर है, तो इसको साफ करोगे या बंद करोगे? साफ हो जाएगा। तो बिल्कुल साफ ही होगा। और ये हमारा जो है, ये देखिए एयर फिल्टर जो है हमने बाहर निकाल लिया है। फ्रेंड्स, अब जो है हमने सफाई कर लिया है, और अब जो है हम इसकी वापिस फिटिंग करेंगे, असेंबल करेंगे इसको। देखिए कैसे आपने साफ करना है। अंदर से जरूर साफ होना चाहिए। और ये देखिए कैसे आपने इसको असेंबल करना है, फिट करना है वापस। आप अगर इसको करवाने के बाद इसको रेगुलर चलाना पड़ेगा। चलो कोशिश करूंगा भाई, कम से कम भी लगातार हफ्ता 10 दिन। और 10 दिन कम से कम 15-20 किलोमीटर ऊपर ला टप्पा है लाइट वाला। तो ये हमारी एयर फिल्टर की फिटिंग हो रही है। और आप क्या कर रहे हो भाई साहब? ब्रेक आउटर बदलेंगे इसका। तो ये हम ब्रेक की वायर वगैरह जो है देखेंगे, वो भी हमारा जाम हो रहा है। तो इस तरह से जो है ये हमारी जो है एयर फिल्टर की फिटिंग हो गई है। और इसको फिर वापस लगाना है।
और लगाने से पहले जो है हम इसकी सफाई कर रहे हैं। और संदीप कुमार, और ये वापिस जो है जो हमने स्क्रू इसके खोले थे 6, वो वापिस हम लगाएंगे, टाइट करेंगे। तो ये हम एयर फिल्टर की वापिस टाइट कर रहे हैं, तो 6 स्क्रू 6 पे टाइट करेंगे। अब जो हम आपको ये दिखाते हैं कि ये कैसे स्कूटी का जो है ब्रेक गियर को खोला जाता है। तो ये देखिए, इन्होंने यहाँ से 2 स्क्रू यहाँ से खोले हैं और 1 स्क्रू यहाँ पर खोला है, 3 खोल दिए और 4th स्क्रू है। ये देखिए कैसे कहाँ पर आइए, हैंडल के नीचे जो है बिल्कुल। तो ये ब्रेक के लिए खोलने के लिए ये जरूरी होता है क्या, आपको बदलना पड़ेगा ना? ये जाम हो रहा है क्या? हाँ। ये बदल रहे हो? हाँ। तो ये हुक, क्या कहते हैं इसको, ब्रेक आउटर, ब्रेक आउट, ब्रेक आउट जो है वो हम इसको कर लेंगे। देखिए हमारा जो एयर फिल्टर का जो आउटर कवर था उसमें हमने फिटिंग कर दिया है और अब जो है ये शायद वापिस इसको लगाएंगे। तो ये देखिए कैसे हमने ये जो हमने कवर निकाला था वापिस इसको फिट कर रहे हैं अपनी स्कूटी में। और ये कैसे लगाना है आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं। तो ये हमारे 3 स्क्रू हैं, ये देखिए कैसे टाइट करना है, जैसे हमने इसको खोला है वही तरीका है। और ये किस चीज की पाइप है जो लगा रहे हो आप? ये हवा की, हवा की पाइप है। ये हमारी जो इंजन से है, हवा जो है इससे फिल्टर होके हमारे इंजन में जाती है, एयर फिल्टर का ये काम होता है। और ये हमारा जो तीसरा स्क्रू है उसको भी हम लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी एयर फिल्टर का जो कवरेज है वो सारा हमारी स्कूटी में फिट हो गया है। और ये अब हम वापस फिट कर रहे हैं। ये क्या चीज है? ये होस पाइप बोलते हैं हम इसको, होस पाइप, होस पाइप का पेच कस रहे। अच्छा अच्छा, ये कार्बोरेटर से आ रहा है? कार्बोरेटर के साथ होती है होस पाइप, कार्बोरेटर और फिल्टर को जोड़ती है। अच्छा अच्छा, कार्बोरेटर और एयर फिल्टर को आपस में जोड़ने वाली पाइप को हम होस पाइप कहते हैं। फ्रेंड्स, ये अब हम जो हमने ये आउटर स्पोर्ट है इसको वापस हम फिट कर रहे हैं जैसे हमने खोला था, तो इसको हम वापस टाइट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब जो है आप क्या बैटरी खोल रहे हो क्या भाई साहब? ना। तो ये आउटर जो हमारा कवर है उसको हम टाइट करें पूरा प्रॉपर। और अब जो है ये देखिए, हम हमारी जो है ये ब्रेक्स है वो जाम हो गई है, तो हम ये जो हमारा ब्रेक मारने वाला हैंडल होता है उसको भी हम बदलेंगे। और क्या क्या बदलने वाले हैं वो आप इस वीडियो के जरिए देखेंगे। ये हमने पहले इसका ये खोल दिया है जो आपका लाइट वगैरह होती है, और ये हमने हटा दिया है लाइट का जो है। तो फ्रेंड्स, ये हम टायर खोल रहे हैं, तो देखते हैं क्या करने वाले हैं भाई साहब। देखिए हमारी जो ब्रेक है वो जाम हो गई है, तो कैसे ये बदलना है या खोलना है। तो ये हम तार निकालने की कोशिश करें ब्रेक की। तो ये देखिए हम ब्रेक तार जो है नहीं निकाल कर आउटर ब्रेक आउटर। ब्रेक का जो हैंडल है उसको भी हम निकाल रहे हैं।
कैसे आपने खोलना है इसको। टेप लेकर बैठे हैं तो शायद तो बाद में कर देते हैं तो ना तो ना हो गया बाद में ना गले तो ये हम नई तार की जो है फिटिंग करें और फिर ये हैंडल से लगाएंगे ब्रेक का जो हैंडल होता है बस आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा मुझे तो ये नई तार को जो है हमने पुरानी जो ब्रेक की तार है उसके साथ टेप से लगा रहे हैं। सारी ऐसी ही लगा दो तो प्रॉपर टेप लगा दिया है और अब देखते हैं क्या लीला करने वाले हैं। तो ये यहाँ से तार घुसाएंगे और यहाँ से दूसरे भाई साहब खींचेंगे तार को खींचेंगे और ये देखते हैं ये खींचेंगे और ये यहाँ से डालेंगे। तो ये तरीका है नई तार ब्रेक की बदलने का। तो ये हम फंस रही है तार निकलने रही है तो देखते हैं क्या करने वाले हैं हम। एंड जी हमारी तार प्रॉपर निकल नहीं रही है तो यहाँ से अटक रही है कहीं तो देख रहे हैं कहाँ अटकी पड़ी है और शायद थोड़ी थोड़ी निकलने लगी है। क्या हो रहा है भाई साहब कुछ बताओगे होगी क्या तार। तो फाइनली जो है फ्रेंड्स ये देखिए हमारी जो तार है ब्रेक की वो आ गई है और हम पुरानी जो तार हमने जोड़ी थी वो हम निकाल दें। तो ये हम जो हमने जो पुरानी टेपिंग करी थी उसको हम काट रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप सगुटी में नई ब्रेक की तार अंदर डालते हैं। अब जो हम इस तार की हम फिटिंग करेंगे अब जो है ये देखिए कैसे ब्रेक एक कैसे लगाया जाता है सीधा सीधा सा रास्ता है इसका। अच्छा, कोई भेद नहीं इसमें कोई भेद नहीं है। अब ये देखिए कैसे ब्रेक की तार को फिट किया जाता है आप ये देख सकते हैं। ये हम इसमें डाल रहे हैं और ये पीछे से ये लगाया और ये इधर टाइट कर रहे हैं। ये तरीका है आप ब्रेक की तार को लगाने का। ये क्या चीज है वैसे ये ब्रेक लेदर है इसके। ये भी बदलोगे क्या ये तो जाम हो रहे थे ये आउटर तार जो थी। अरे ये कितने का आता है 300 रुपए। 300 रुपए का है ब्रेक लेदर। अब हम बदलेंगे ये सब काम के बाद। तो फ्रेंड्स ये हमने इस ब्रेक लेदर से जो स्प्रिंग निकाले हैं तो ये देखिए जो है ये देखिए कैसे ये लगाना है। ये क्या इंजन ऑयल डाल रहे हो। हाँ ये जो कैम में थोड़ा मोबिल चल जाता है ना थोड़ा जिसको आप तेल पानी जिसको बोलते हैं जो हमने उतारा था ये हम वापस लगा रहे हैं ऊपर का जो लाइटिंग वाइटिंग है। ये देखिए कैसे लाइटिंग की ये तार लगती है। देखिए अब कैसे आपने ये लगाना है स्प्रिंग सेट का ये जो स्प्रिंग सेट किया और इसका खांचा है अच्छा इसका खांचा है ये इसके बगैर फिटिंग नहीं हो। अच्छा तो ये हमारा जो है ब्रेक लेदर लग गया है। ये देखिए फ्रेंड जो हमने नट्स खोले थे इसको वापस हम टाइट करें जो है हम अपना टायर लगाना देखते हैं। तो ये सफाई करें जंग वंग वगैरह जो है हमारे टायर में लग रहा है इसको साफ करें हैं प्रॉपर। और दूसरी तरफ जो है ये हमारा फिट हो गया और ये देखिए कैसे आपने टायर डालना है। तो कैसे लगाना होता है टायर भाई साहब। तो जिसका खर्चा हुआ जिसका बिल्कुल अच्छा तो ये देखिए कैसे आपने घुसाना है। तो कोई तरीका होता है क्या टायर घुसाने का। ना कोई तरीका नहीं ये बस ये इसमें एक सापट है इसमें डल गया। अच्छा अच्छा और अब जो है ये अब हम
सॉकेट में डालना होता है। जो हमने ब्रेक का जो हैंडल है वो हम टाइट कर रहे हैं, तो फ्रेंड दो दो साइड काम हो रहा है, तो वीडियो मिक्स हो गई है, कौन सा काम पहले हो रहा है कैसे हो रहा है, तो आप ऐसे समझ गए होंगे। तो ये हम टाइट कर रहे हैं, ये अब हम ब्रेक जो है हमने ब्रेक करी उसको हम टाइट करें तार को और ये नाम मांगा था। एक बात बताओ, ब्रेक को स्लो करना हो या फास्ट करना हो, हार्ड करना हो, कैसे करते हैं? एक बार ब्रेक चेक कर दे अच्छी तरह, दो तीन बार ब्रेक मारेंगे ना फिर सेटिंग देखे भाई, और पूरा अंदर जा दे ब्रेक तो छोड़ दे। तो ये हम ब्रेक की फाइनल जैसे हमने स्कूटी खोली थी वैसे हम इसकी फिटिंग करें। दूसरी तरफ हमने लगाना है साइड मिरर, आप कैसे लगा रहे हो? तो ये अब हम जो है ये हमने जो सीट उतारी थी तो वापस हम लगाएंगे जैसे हमने उतारी है, ठीक वैसे ही तरीका है। तो कैसे हमें फिट करना है आप ये देख लीजिए, तो ये देखिए 6 नोट नट होते हैं टोटल 6 और 2 स्क्रू पेच। इस तरह से जो है ये हमारी हीरो ब्रांड की प्लेजर की हमने सर्विस कराई है। इंजन ऑयल बदलोगे क्या? वैसे इंजन ऑयल बदलोगे क्या? हाँ हाँ बदलते हैं इंजन ऑयल। तो ये हमारी फिटिंग हो गई है जो जो हमने पार्ट इसके खोले थे। दो जो है यहाँ पर है ये देखिए दोनों साइड है। ये देखिए दो किनारे पे हैं और मे बी यहाँ पर भी आपके 4 हैं ऊपर और 2 अंदर की तरफ। तो फ्रेंड ये हमारी अब फिटिंग हो गई है, आप जो है इसका हम इंजन ऑयल बदलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब हम इंजन ऑयल बदलेंगे तो कहाँ पर होता है बाद साहब? बिल्कुल उसके नीचे उतना है। और फिर कहाँ से डाला जाता है आगे बता दूँ। ये देखिए कैसे इसमें इंजन ऑयल बदला जाता है, तो लॉकडाउन में जो है ये चीजें आपको बहुत काम आ सकती है। कौन से नंबर की चाबी डाली हुई है? 17 नंबर की गोटी राड लगती है इसमें। 17 नंबर की गोटी लगाते हैं ये आगे और ये पूरा भर जाएगा। ये बस ये इतना ही होगा 750-800 ml आता है। 800 ml तक काम इंजन ऑयल निकाल रहे हैं। ये तिरछा करें गोटी को जैसे हमने नट खोला था वो वापिस हम टाइट करें। पहले ढीले हाथ से अंदर रख दे इसको, ये खिंडेगा नहीं शायद, आपको प्रॉपर दिखा नहीं पाएंगे वीडियो में। और ये जो है 17 नंबर की जो हेड होता है स्क्रू ड्राइवर का उसे वापिस हम टाइट करें। फ्रेंड्स ये हम नया इंजन ऑयल डाल रहे हैं। तो ये देखिए हमने तल को काट के जो है इन्होंने जुगाड़ किया है, कीप बनाइए। ये इंजन ऑयल डाल रहे हैं प्रॉपर। तो 700 से लेकर 800 ml तक आएगा।
तो आप कोई भी ब्रांड का इंजन ऑयल नहीं नहीं ओरिजिनल ओरिजिनल अमेज़न पर भी मिल जाएगा। लेवल होता कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा कि लेवल कितना? ये ना ये अच्छा यहाँ तक होना चाहिए, इससे कम है तो कम है। अच्छा चेक कर रहे हो लो, इससे कुछ ना कुछ फालतू ही है, कम नहीं है, कम नहीं होना चाहिए इससे। तो यहाँ से आपका इंजन ऑयल डलता है। हीरो ब्रांड की जो प्लेजर स्कूटी है इसकी टोटल सर्विस हो गई जाता भाई साहब, इसके अंदर मट्टी जम रही थी। अच्छा अच्छा आप निकल गए, दिन से खड़ी थी ना। अच्छा अच्छा हवा चेंज होगी। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुदेव तनेजा, इसके नीचे आप रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना है तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टैबलेट पे तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टैबलेट पर आएंगे।